सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मनिका में भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के विरोध में रैली निकाली। आज दिन शुक्रवार को मनिका में भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में हेमंत सरकार के विरोध में पैदल मार्च रैली निकाली गई। मनिका हाई स्कूल के मैदान से पचपेड़ी चौक होते हुए मनिका प्रखंड कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान भाजपाइयों कार्यकर्ताओं ने हाथ पे तख्ती लेकर हेमंत सरकार के विरोध जमकर नारे लगाए। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हेमंत सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश निरंजन सिन्हा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक हरि कृष्ण सिंह ने कहा कि राज्य के वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल साबित दिखाई दे रहा है और आदिवासी विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार में सम्मिलित सरकार है। राज्य में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस राज्य की जनता सरकार के कार्यकाल से नाखुश है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि लव कुमार दुबे, भाजपा प्रदेश नेता रामधनी यादव, मनिका प्रमुख प्रतिमा देवी, पूर्व जिला परिषद महेश सिंह, भाजपा अनुसूचित जिला अध्यक्ष बबन पासवान, भाजपा नेता मनदीप कुमार छोटू राजा, भाजपा नेता उमेश कुमार यादव, मंटू प्रसाद समेत अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। काम कर रही है, किसानों के साथ छलने का काम कर रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे निरंकुश सरकार, संवेदनहीन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। और आज पूरे देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में मनिका प्रखंड में लोग उपस्थित हुए हैं और ये साबित होता है कि यहाँ की जो हेमंत सरकार है वादा खिलाफी कर रही है और यहाँ के आदिवासी युवा और किसान विरोधी है। इसको लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।